उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों के फतह की रणनीति को ध्यान में रखते हुए भाजपा अपने मिशन में लगातार जुटी हुई है और इसी कड़ी में भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है। राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सहित आला भाजपा नेता शामिल हैं। वहीं राज्यों से भी वर्चुअल तरीके से भाजपा नेता जुड़े। माना जा रहा है राष्ट्रीय पदाधिकारी महंगाई फैक्टर पर भी चर्चा कर सकते हैं और यूपी सहित 5 राज्यों के लिए जीत का एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। और हमारे साथ सहयोगी डिंपल जुड़ गई हैं। डिंपल, ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, कई तैयारी जो है चुनाव को लेकर रोड मैप भी माना जा रहा है अब इसको। बिल्कुल रेखा, कार्यकारिणी की जो भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो अहम बैठक है वो जारी है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अभी इस वक्त चल रहा है जिस पर सभी की निगाहें हैं कि क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि अभी इससे पहले जहां धर्मेंद्र प्रधान की, जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस वार्ता हुई थी, इसके बाद जो निर्मला सीतारमण की प्रेस वार्ता हुई थी, उनमें ये जो चीजें सामने आई थी उनमें यही बात थी कि जो चुनावी रणनीतियां हैं उन पर खासतौर से फोकस रखा गया है। और साथ ही जो बैठक के अंदर की बात करें तो वहीं जितने भी जो बड़े नेता हैं, केंद्र के जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया है, इस चीज को लेकर आभार जताया है कि कोविड को लेकर जो उनकी वैक्सीनेशन को लेकर जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा हुआ है उसको लेकर उनका आभार जताया है। साथ ही जो कोविड के समय पे जो फैसले लिए गए हैं पिछले 2 सालों में, अगर बात करें पिछले 2 सालों की जितने भी निर्णय लिए गए हैं सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से, उसके लिए काफी सराहा गया है। वही बात करें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर खास तौर से मंथन किया गया है कि क्या कैसी रणनीतियां होंगी, क्योंकि पार्टी किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती है। क्योंकि हाल ही के जो 3 लोकसभा चुनावों की बात करें या 30 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की बात करें तो उसमें जो भाजपा का जो प्रदर्शन था वो उतना ज्यादा उत्साहजनक नहीं देखने को मिला था, इसलिए पार्टी उससे काफी ज्यादा निराश थी। इसलिए अब पार्टी किसी भी कि कोई चूक नहीं चाहती, लापरवाही नहीं चाहती, इसलिए अपनी जो संगठन की कमियां हैं उनको चलिए तो अब संगठन में जितनी भी कमियां हैं उनको पूरा करने, सही करने की कोशिश, और इसी को लेकर ये मंथन है। क्योंकि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर ये खास तौर पर रणनीति बनाई जा रही है। जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी तारीफ करते हुए नजर आए थे, चाहे वो कोविड प्रबंधन को लेकर हो, किसानों के लिए योजनाएं जो हैं उनको लेकर हो, और अभी भी ये बैठक जो है लगातार जारी है, तो जीत के लिए महामंथन लगातार जारी है। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर रणनीति बनी हुई है और अभी भी बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि हमारी सहयोगी ने बताया, अभी अपना संबोधन दे रहे हैं। जो पार्टी के विस्तार है उसको लेकर भी कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से पार्टी का विस्तार किया जाए। संगठन को लेकर चर्चा हो रही है कि संगठन को कितना और मजबूत बनाया जाए।